Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस. आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास थर्ड का एक्सरसाइज 10.4. यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4. इसमें हमें ग्रेटर देन एंड द लेस देन निकालना है. इसमें दिया गया है देखिए 2/9, यहाँ पे 3/9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर चेंज है. तो आपको खुद दिखाई दे रहा है इसमें छोटा कौन सा है 2, ठीक है, और बड़ा क्या है 3. तो हम यहाँ पे किसका साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन का 3 के सामने. यहाँ पे देखिए बड़ा क्या है 6, यहाँ पे ऐसे ही बड़ा क्या है 16, और यहाँ पे बड़ा क्या है 6. ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखिए स्टूडेंट, चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द एंड क्रॉस इट. अब यहाँ पे आपको देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो बस हमें क्या देखना है, न्यूमिनेटर देखना है. तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, तो सबसे बड़ा न्यूमिनेटर यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है 8, तो ये है इसका आंसर. ओके, ये देखिए, देन इसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है आपको 8, ये देखिए 8, इसके बाद सॉरी 9, ठीक है, इसके बाद कौन सा दिखाई दे रहा है आपको 4, ये हो गया 4. चूज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग एंड क्रॉस इट. यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखिए, देखिए सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या है 1, इसके बाद देखिए क्या है 3, इसके बाद देखिए कौन सी है 2. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा. इसी तरह से हमको लिखना है यहाँ पर. देखिए सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, देखिए आपको दिखाई देगा असेंडिंग ऑर्डर में. बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 1/7, 6/7, 3/7 और 5/7. इसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा लिखेंगे. पहले क्या लिखेंगे 1/7, फिर इससे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ जाएगा 3/7, इससे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है 5, तो यहाँ आ जाएगा 5/7, फिर इससे बड़ा आपको क्या दिखा रहा है 6, तो ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा. तो हमारा इधर क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, ये 2/9, 6/9 और 4/9. अब इसका सॉल्यूशन अगर हम निकाले तो क्या आएगा, देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है 2/9, फिर उससे बड़ा 4/9, फिर उससे बड़ा 6/9. ओके ओके, यही एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है. अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.5, चूज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग एंड क्रॉस इट. अब यहाँ पे हमें निकालना है कौन सी ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन. अब मैं आपको समझाती हूँ, पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें सभी के डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है. तो जिस भी संख्या का डिनोमिनेटर क्या हो, सबसे छोटा हो, ठीक है, वो संख्या सबसे बड़ी, मतलब वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी. देखिए यहाँ पर सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है 3 का, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है. यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, ये देखिए 3/10, निशान लगा दिया इस पे. यहाँ पे देखिए सबसे छोटा डिनोमिनेटर क्या है 9, 5/9. ऐसे ही चूज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग एंड क्रॉस इट. अब स्मॉलेस्ट जिससे ठीक सिम इसका अपोजिट, जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी. यहाँ पे सबसे बड़े स्मॉल मतलब जो डिनोमिनेटर वो है वो क्या है 1/15, यहाँ पे देखिए क्या है 2/12, और यहाँ पे क्या है 3/7. ये क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन. आगे राइट इन द असेंडिंग ऑर्डर. अब हम देखिए उसको भी हमने ऐसे लिखा था, ऐसे इसको भी लिखेंगे. यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला जो दिया गया है 1/9, 1/8, 1/10 और 1/2. अब यहाँ पे देखिए जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन लिखते हैं, तो इन सब में छोटी कैसे, मैंने अभी आपको पहचानना सिखाया, जिसका भी डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है 1/10, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1/10. इससे बड़ी कौन सी है 1/9, फिर 1/8 और फिर 1/2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक सेम इसका अपोजिट. ओके, मैंने अभी आपको समझाया कैसे लिखेंगे हम. देखिए आप, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन था. यहाँ पे देखिए 1/9, 1/2, 1/8 और 1/10.
और यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ी, उससे छोटे, फिर लास्ट में सबसे छोटी लिखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी, जिसका भी डिनोमिनेटर क्या हो, सबसे छोटा हो। तो 1/2, 1/7, 1/8, देन 1/9। आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको समझ में आई होगी, इट इज वेरी इजी। आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एट द फॉलोइंग फ्रैक्शन, देखिए दोनों के क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3। ओके, 1/1, तो ये लिख दिया 1+1। ओके, 1/1 कितना होता है, 2, तो ये हो गया 2/3। वेरी इजी। ये देखिए ये वाला, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम, मैंने लिख दिया 6। ये देखिए दोनों के न्यूमिनेटर को मैंने क्या करा, प्लस करा, 2 और 3 कितने हो गए, 5/6। ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है हमें, मतलब माइनस करना है। दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम, ये लिख दिया 7। दोनों के न्यूमिनेटर को लिखा आपने 4-2, तो ये क्या हो गया, 2/7। ऐसे इस वाले को, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो लिख दिया मैंने 10। 7-5, 7 में से 5 जाएंगे, बचा कितना, 2/10। चाहो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस वाले को, बिकॉज ये तो अलग अलग है, इसको हम चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 1 2, 2 5 10, तो ये क्या आ जाएगा, 1/5। आते नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है 10.7। देखिए एक्सरसाइज 10.7, यहाँ पे देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है। 3/5 ऑफ द मैच वॉज ओवर वेन आई पुट ऑन टेलीविजन, हाउ मच ऑफ द मैच वॉज लेफ्ट। मैच का मतलब है एक मैच चल रहा है, ठीक है, एक मैच में से अगर मैं आपको समझाती हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल है समझने के लिए वर्ड प्रॉब्लम। ये आपकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज कौन सी है, 10.7। देखिए 3/5 मतलब 3/5 भाग किसका, एक मैच का, ठीक है, ओके, वन मैच अब ये देखिए 3/5 पार्ट ऑफ मैच वॉज फिनिश्ड या वॉज फिनिश्ड यहां पे, या फिर आप वो भी लिख सकते हैड फिनिश्ड, हो गया। अब हम इसे कैसे माइनस करेंगे, देखिए 1, यहां पे मैं आपको दिखा रही हूं, मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए 1-3/5। ओके, अब यहां पे डिनोमिनेटर नहीं है तो मैंने यहां पे क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। दोनों का मैं एलसीएम लूंगी, क्या जाएगा, 5। 5 का मैं 1 में क्या करूंगी, अगर भाग दूंगी एक के पार्ट एक से, तो क्या जाएगा, 5। 5 का मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहां क्या आ गया, 5। ओके, 5 के टेबल में 5 कितनी बार है, 1 टाइम। 1 का मैं 3 में दूंगी तो 3, 5 में से 3 का कितना बचे, 2/5। इसका आंसर क्या आएगा, 2/5, मतलब मुझे अभी 2/5 भाग देखना है। देखिए कोई भी चीज है, कोई भी चीज है वो उसमें कितने भाग है, बहुत सिंपली तरीके से समझा रही हूँ। कोई भी चीज है उसमें 5 भाग है, उसमें से 3 हमने देख लिए, तो अभी कितने देखने बाकी है, 2। क्या आ गया हमारा आंसर, 2/5। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोहन डिड 3/7 ऑफ हिज स्कूल वर्क ऑन मंडे एंड 2/7 ऑफ हिज स्कूल वर्क ऑन ट्यूजडे, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल वर्क डिड ही डू इट इन 2 डेज। आते हैं इसके आंसर पे। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, अब जो रोहन है वो 3/7 ऑफ पार्ट, सॉरी 3/7 स्कूल वर्क डू ऑन मंडे, ठीक है, देन उसके बाद क्या बताया है, 2/7 स्कूल वर्क डू ऑन ट्यूजडे। ओके, तो इसमें हमें क्या बताना है, टोटल वर्क, टोटल वर्क रोहित ने कितना किया, तो 3/7 + 2/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 7। दोनों के न्यूमिनेटर को प्लस कर लिया, 3+2 = 5/7। ओके, जो रोहित का टोटल वर्क है वो क्या है, 5/7, इट इज योर आंसर। ओके, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, देखिए आप बुक में
ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स, इट इज वेरी इजी, जो मैंने आपको समझाया है आगे के मैं मतलब एक्सरसाइजेस में उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको ये सब कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है 10 कंप्लीट होता है। चेक योरसेल्फ, आप खुद करेंगे। ओके, थैंक यू एंड बाय।